आंगन से खेलती कूदती हुई क्या धारा चलती है आगे जाकर के। अगर आप जाके देखो सरदार सरोवर से उधर, तो विशाल समुद्र के रूप में आप ही नहीं पहचान पाओगे ये मां नर्मदा है कि विशाल सागर है। इतना आनंद बरसता है वहां। लेकिन जो भूखा है, जो प्यासा है, पूरा क्षेत्र ये केवल भाजपा के बलबूते पे हुआ है। मां नर्मदा तो हजारों साल से बहती थी, लेकिन सुदूर राजस्थान के अंदर तक, इधर आपके रीवा कहां सोनभद्र का इलाका, लेकिन बरगी बांध से मां नर्मदा रीवा में भी हमारी सोन नदी से मिलने के लिए बढ़ रही है। जोरदार तालियां बजाओ, ये केवल भाजपा की सरकार में हो सकता था। हमारे क्षेत्र के किसानों का जीवन अच्छा होने के लिए, सबका भला करने के लिए, उसमें क्या परेशानी, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मां नर्मदा का पानी तो बह ही रहा है, लेकिन बहते बहते प्यासे को पानी मिल जाए, प्यासे खेतों को पानी मिल जाए, तो सीमा पे जवान और खेत में किसान, ये सबके जीवन को बचाने का काम करते हैं। वो सीमा के जवान देश की आन बान शान के लिए अपनी ड्यूटी अदा करते हैं, और भूख से बचाने का काम हमारे किसान करते हैं। इसलिए आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और जिनके कारण से हम यहां इकट्ठा हुए, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चला है, शहडोल में मुझे कुछ आंकड़े दिए हैं, शहडोल के अंदर 550 किलोमीटर की 850 करोड़ की सड़कें बन रही है। अगर किसी ने बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, इस बात का हमें गर्व है। उमरिया से चिल्लारी, मसूर पानी से स्टेट हाईवे निकला तो कितना आनंद आया है। शहडोल पूरा बदल रहा है। अनूपपुर वाले तित्री पौड़ी से देखल मार्ग, संजय नगर से मोहरी मार्ग, चटुआ धनपुरी मार्ग, 8 साल तक सरकार चलाने के बाद भी आदिवासी भाई बहन को उनके गांव के अंदर पक्का मकान देने की हिम्मत नहीं हुई। पक्का मकान देने की, अगर पक्का मकान देने का निर्णय किसी ने किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में हुआ है। ये गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाकर देख सकते हैं।